बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गोश्त और खीरे। देखो मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं काटने लगी हूँ। बड़े का मेरा गोश्त है तो मैं के पहले आपको सलाम कर लूँ तो फिर काटूंगी। तो ये देखो जी ये टिंडे हैं, टिंडे भी माशाल्लाह कच्चे कच्चे हैं, कोई पक्का नहीं निकला। ये देखो ये टमाटर है, शोरबे से रोटी खा लेंगे तो हल्का हल्का से शोरबा कर लूंगी। आपने मेरे साथ रहना है, आपने मेरी वीडियो फुल देखनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है? गैस चली गई, गोश्त गला नहीं। अब आएगी गैस, तब इसको कुकर में लगी हूँ चढ़ाने। आप बना रही हो, बच्चों ने ये फिर भी नहीं खाना है। खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, बच्चे मेरे हैं, मेरे बच्चे खाएंगे। और उधर रोटी भो के खाएंगे। और उधर तो बाहर तो कुछ और ही तैयारी हो रही है। मैक्रोनी भी बनाऊंगी, मैक्रोनी वो तो आपकी बेटी बना रही है। मेरी बेटी बनाएगी? हाँ मैं कह रही हूँ। हाँ क्यों, मुझे नहीं बनानी आती, उसको इतवार नहीं मुझसे नहीं आती है। वो कह रही है कि ना मैं अम्मी को चखाऊंगी अपने हाथ की बनी, आपको सरप्राइज दे रही है। वो मेरी बेटी की मेहरबानी है जी, मुझे बना के देगी। मसाला तैयार कर लूंगी। अच्छा अच्छा ये भी ठीक है। इसमें डाल दूंगी घी, थोड़ा होगा तो फिर भेज लूंगी। ये क्या चीज है, ये देखो ये वाली बनानी है उन्होंने ना। चलो बना रही हूँ, बना के मुझे भी खिलाइए बेटी, मैं भी देखूंगी कैसे बनेगा। प्याज घेर दिए मैंने, ये हो जाएंगे ब्राउन, फिर इसमें टमाटर डाल दूंगी, फिर लहसुन अदरक घेर के इसको ग्राइंडर कर दूंगी। मेरी जल्दी से हंडिया तैयार हो गई, घेर दूंगी। ये वादे वाले भी पंगे लेते हैं, बिजली के साथ कभी ले ली कभी दे दी, इन्हें पंगे के बगैर गुजारा नहीं है। अब इसी के साथ डाल दूंगी मसाले, मसाले हैं नमक मिर्च हल्दी जो घर के मसाले हैं, हम सब कुछ जो डालते हैं। ये देखो बोल मेरा गले आएगा, नहीं गले गोश्त डल गया, पानी भी ज्यादा हो गया। इधर ये ना सारा कटिंग कर लिया सिस्टर ने। ये देखें ये मैक्रोनी का सामान है, ये मैक्रोनी बनी थी, ये कूड़ा है। बर्तन भी तो इतने हो रहे हैं, ये भी तो धोने हैं बर्तन भी। हाँ बर्तन के ये चीजें उठा लेती छोरी में सारे बर्तन धो। मुझे इधर सारी सब्जी जो कटिंग की थी क्यूब्स में, तो इधर ये बारी बारी सारी सब्जी ना हल्की हल्की फ्राई कर लेंगे। ये सारी जो सब्जी है ना सारी फ्राई होती है, फिर आपको दिखाते हैं। और इतना ये भी बनाए प्यार है, और मैक्रोनी भी उबल गई है, इसको भी अच्छे से वॉश कर दी है। बनाई हो गई है, अब इसमें डाल दूँगी टिंडे, 10-15 मिनट के लिए इसकी बनाई कर दूँगी। ये देखें इसकी अच्छे से बनाई होगी, चिकन वगैरह भी सारा फ्राई कर दिया था, और अब इसमें सारी सब्जी ऐड कर दी है, अब इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो जी देखें हमारी बहुत मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार हो गई है, अब इसको लगा देंगे दम। तो इतना बना लेते हैं रोटियाँ, सालन भी बिल्कुल रेडी है। तो ये देख मेरी हंडिया तैयार हो गई है, पक गए टिंडे भी गल गए और पक गए, और इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला 1 चम्मच गरम मसाले की, धनिया, धनिया तो हंडिया की शान है। हंडिया तैयार हो गई, और इधर मेरी बेटी ने बना ली मैक्रोनी। वाओ देख कैसी बढ़िया पकाई है, देख मजे की चिकन में। वाओ वाह मेरी बेटी, तने तो पुण्य का काम करे, आज बहुत अच्छा काम करे। ये देख मेरी बेटी ने रोटी भी पका ली है माशाल्लाह, ये देख कितनी अच्छी पकाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जम्मी के लिए सरप्राइज था। और अम्मी अभी बताएंगी कि कैसा लगा, कैसा बनाया अम्मी? मजे का, मजे का चटपटा, बहुत मजे, बहुत मजे का। और ये देखो ये कितने मजे का बना है, माशाल्लाह। टिंडे गोश्त और साथ में खीरे, सब कुछ आता है मेरी बेटी को बनाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो गाइस आपने भी बताना है कि आपको आपके घर में ये किस किस को टिंडे गोश्त का सालन पसंद है और किस किस को मकरोनी पसंद है। और हमने तो अपने दिल जान से ये सब कुछ अम्मी ने बनाया और आप हमें तो भी बहुत अच्छा लगा। और आपने भी बताना कमेंट में कि आज आपको अम्मी की ये डिश कैसी लगेगी, क्योंकि ना ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी ही दिखाई जाए। हमने कहा नहीं, हम जो भी बनेगा ना वो शेयर करेंगे, चाहे दाल बनेगी, चाहे सब्ज़ी बनेगी, चाहे शोरबे वाला सालन बनेगा, हर चीज़ आपको दिखाते। ये भी अम्मी टेस्ट कर रही हैं, अम्मी पहले ना खुद बना कर ना खुद टेस्ट करती हैं और फिर कहती हैं कि हाँ बच्चों अच्छा बना है या बहुत मज़े की। दोनों डिशें बहुत मज़े की बनी हैं और ये भी अच्छी है। चलो जी अम्मी ने तो पास कर दिया, अम्मी खा भी रही हैं साथ साथ। और जिस अंदर लेके चलते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और अपने मियाँ जी को खिलाती हूँ। तो जी मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना और आप रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, वीडियो में हमीदा व्लॉग को दीजिए इजाजत। मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।